दोस्तों हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल की भर्ती पर जो आपकी ज्वाइनिंग पर रोक लगी हुई है उसका कल फैसला होना है 17 तारीख को, ये तो आप सभी को पता है। और इसमें हरियाणा पुलिस से मेल कांस्टेबल पर मौखिक रूप से रोक लगा रखी है कि भाई जब तक कोर्ट के आदेश नहीं हो जाते हैं उससे पहले HSC इसकी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकती। और इसी के साथ साथ फीमेल कांस्टेबल पर भी जो हाईकोर्ट के द्वारा जो रोक लगी हुई है ज्वाइनिंग के ऊपर उस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर ये आई है कि कल जब 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री के द्वारा जो झंडा फहराया गया था उस समय काफ़ी संख्या में वहां पर कैंडिडेट पहुंचे थे और उनका सिर्फ यही सवाल था कि भाई हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल फीमेल कॉन्स्टेबल की जो ज्वाइनिंग है वो कब तक करवाई जाएगी। तो दोस्तों उसी के दौरान यहाँ पर एक खबर और निकल के आती है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कि भाई HSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री लगातार बोल रहे हैं कि भाई जो 17 तारीख को जो आपकी सुनवाई रहने वाली है यानी कि कल जो सुनवाई आपकी रहने वाली है इसमें पूरी तरीके से इस मामले से सुलझ लिया जाएगा क्योंकि अब की बार जो है सभी इसमें शामिल रहने वाले हैं क्योंकि पीछे भी कई तारीखें जो लगी थी आपकी उसमें AG साहब भी नहीं पहुँच पाए थे और जो हाईकोर्ट के द्वारा जो दस्तावेज़ मांगे गए थे वो भी HSC पेश नहीं कर पाई थी और उसमें HSC ने ही उसमें और समय मांगा था क्योंकि आपकी जब पिछली सुनवाई हुई थी तो उस समय जो HSC से जो हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जो भी जानकारी HSC से मांगी थी वो प्रोवाइड नहीं करवा पाई HSC, इसी कारण जो है आपकी 17 तारीख जो नई डेट वो दी गई थी। दोस्तों कल आपको लाइव बिल्कुल कोर्ट में जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी सबसे पहले हम प्रोवाइड करवाएंगे और आपको हो सके तो इतने जो इस केस की जो पैरवी करेंगे जो वकील रहेंगे उनसे भी हम आपको लाइव बात करवाएंगे और आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल देखते हैं दोस्तों कौन सा पक्ष इसमें मजबूत रहता है, किस पक्ष का फैसला कल हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो बताया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में भी गड़बड़ ज़रूर है, इसी कारण जो आपका मामला कोर्ट में अभी तक फंसा हुआ है। अगर नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ नहीं होती तो आपका जो फैसला है वो अभी तक हो जाता और शायद आपकी ज्वाइनिंग भी जो है आपकी करवा ली जाती। तो आने वाले समय में देखते हैं दोस्तों क्या रहता है कल। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जॉब से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।